स्टेट कट ऑफ लास्ट ईयर 546, दिस ईयर 620, माय मार्क्स 586। दिल टूट गया है सर, पर डॉक्टर बनने का सपना नहीं छोड़ सकता। क्या करूं इस फैसले का यार। तो पिछले 40 दिन से हम भी इसी चीज के लिए दिन रात लड़ रहे हैं। इतना लॉ कभी नहीं पढ़ा, जिंदगी में पहली बार वकीलों के चक्कर काटे हैं। खड़े रहकर पैर टूट गए अब ये देखते हुए कि क्या चल रहा है बच्चों के साथ। एक काम करते हैं, 550 प्लस के लिए फ्री कर देते हैं, पूरा कोर्स फ्री, जो ईसरल का बेस्ट कोर्स होता है वो आप सबके लिए, जिसके भी 550 प्लस के ऊपर है उनके लिए फ्री कर देते हैं। ठीक है, देखा जाएगा जो भी होएगा, कैसे मैनेज होएगा कैसे नहीं होएगा। फ्री कर देते हैं, ठीक है। और मेरे को पता है कि जो बच्चों के 550 प्लस से कम हैं, जिन्होंने मेहनत करी थी, उनके भी सपने टूटे हैं। तो जिनके भी 550 प्लस से कम हैं, उनके लिए भी अभी नहीं पता क्या करेंगे, बट लोएस्ट एवर प्राइस में कुछ करते हैं पूरे इंडिया में आज तक जो हुआ है। ठीक है, लोएस्ट एवर प्राइस में तुम्हारे लिए कुछ करते हैं। यार ये सिचुएशन देखो, मेरे को तो इसका एक ही पैरेलल है, जब शिवजी ने विष का घूंट पिया था, उन्होंने पूरी ह्यूमन काइंड के लिए पिया था। आपके सामने आज वही सिचुएशन आई है, क्योंकि ये जो भी आज हियरिंग हुई, जो भी आज डिसीजन आया, ये तो जहर के समान ही है, विष के समान ही है, पर हमको इस विष के घूंट को भी पीना पड़ेगा अपने लिए, अपने सपने के लिए, अपने माता पिता के लिए। अब ये मोटिवेशन वगैरह कुछ नहीं है, ये सच्चाई है अभी आज जीवन की, जहां पर हम खड़े हैं। पर ये अब मैंने ठान लिया है और कि 2025 में ना लेवल प्लेइंग फील्ड बना देंगे इसके थ्रू। अब देखते हैं साला कौन सी फलाना टेस्टिंग एजेंसी बीच में आती है, हर बच्चे को बराबर एक्सेस दे देंगे, अमीर हो गरीब हो, गांव का हो शहर का हो, बस उसकी मेहनत पर बात आ जाएगी। तो यार एक चीज है पर, कि ये रोज के टॉर्चर से एटलीस्ट एक मुक्ति मिल गई कि अब सामने क्लियर सिचुएशन है जिस पर हम अपना पीस ऑफ माइंड लाकर आगे की जिंदगी के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, तो जो है वो यही है आप सबके लिए। और क्या कर सकते हैं, बैठेंगे उस पर बात करेंगे कैसे क्या होगा। पर एक बात तय है, इस बार हर बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे, मिलेगी हर बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटी। ठीक है, अब मेरा ही बड़ा कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड है यार, अभी समझ नहीं आ रहा है। पर मैं ये जानता हूं कि हम और हमारे बच्चे गिवअप करना नहीं जानते। इस एक डिसीजन से हमारा करियर तो हम खराब नहीं ही करेंगे, कुछ चीजें हमारे कंट्रोल के बाहर होती है, जैसे कि ये सब डिसीजन वगैरह और ये सब, पर इस पे रिएक्ट कैसे करना है ये हमारे हाथ में होता है, और बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट करेंगे।